मथुरा जनपद में आवारा पशुओं की लगातार बढ़ती जा रही संख्या आम जनमानस के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। तो वहीं पर आए दिन हिंसक होने वाले आवारा पशुओं और बंदरों के हमलों के कारण से यहां घूमने के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जल्द ही मथुरा वासियों को आवारा पशुओं से निजात मिल सकती है। आपको बता दें कि टीटी शेड के अंतर्गत मथुरा जनपद के आगरा के समीपवर्ती जिला होने के कारण जल्द ही इस ओर शासन कोई ठोस कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि आगरा में भ्रमण के लिए आने वाले सैलानी ज्यादातर मथुरा घूमने भी आते हैं, जिनकी सुरक्षा के दृष्टिगत पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है और शासन को भी पत्राचार के माध्यम से आवारा पशुओं से निजात दिलाए जाने के क्रम में जानकारी दी जा रही है। वहीं इसी विषय में मथुरा जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भ्रमण पर लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्था है पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा की जा रही है। हाँ, ये इस समय पूरे प्रदेश की और आसपास के प्रदेशों की भी समस्या है कि लोग जो पशु अनुपयोगी हैं पशुपालक के लिए, वो बचपन से ही उनको छोड़ देते हैं और वो छुट्टे पशु की वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने में आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके भी चोट लग जाती है, वो भी चोट मार देते हैं और बहुत सारे जो फसलें हैं वो भी अधिक मात्रा में बर्बाद हो रही हैं। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जनपद में एक सरकारी बृहद गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना का के निर्देश हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारे मथुरा में भी एक गौ संरक्षण केंद्र राल गांव में बनेगा, जो पैक फैट संस्था है उसके द्वारा बनाया जाएगा। उसके इंजीनियर्स ने सर्वे कर लिया है और भवन निर्माण के लिए मिट्टी की जांच लखनऊ की टीम ले गई है। वो जांच जैसी होके आ जाती है तो उसका लेआउट उसके हिसाब से होके इसमें भूसा गोदाम रहेगा और वाटर पंप रहेगा, कर्मचारियों के लिए आवास हैं और पानी के लिए चरही हैं। अब भूसा रखने के लिए भूसा गोदाम और एनिमल्स के लिए शेड बनेंगे। पहले चरण में ये 500 पशुओं के लिए बनाया जाएगा और फिर मैं अनुरोध करूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि 500 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें अधिक की ज़रूरत होगी। तो जैसी प्रारंभ हो जाता है उसकी आवश्यकता तो है ही, हम आगे ज़्यादा पशुओं के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू करने का अनुरोध करेंगे। सर, मथुरा TTZ के अंतर्गत सम्मिलित होता है, यहाँ पर सैलानियों की संख्या आगरा से संबंधित, क्योंकि जो भी आगरा में ताजमहल देखने जाता है वो मथुरा अवश्य आता है और जो ब्रज भ्रमण के लिए आता है वो संभवतः आगरा भी जाता है, तो एक दूसरे से लिंक्ड है। मथुरा TTZ के अंतर्गत आता है परंतु यहाँ पर आवारा पशुओं के कारण सैलानियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आवारा सांड हुए, खासतौर पर वानरों की संख्या अत्यधिक तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ वृद्धि कर रही है, इसको देखते हुए क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है? हाँ नहीं, अभी व्यवस्था का तो नहीं की जा रही है कोई, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तो ये मानना है और मैं विभिन्न मंचों पे इस चीज़ को प्रोजेक्ट को ले जाने की कोशिश करूँगा कि आवारा पशुओं के लिए जो विशेष रूप से नंदी हैं उनको हमारा बढ़िया करने का मेरा मन है और मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रोजेक्ट लागू हो, नगर पालिका नगर निगम और हमारी मदद से ये काम हो सकता है। दूसरा, जो आवारा कुत्ते हैं उनसे भी रेवीज के केस भी आते हैं, पागल भी हो जाते हैं लोग, तो एंटी रेवीज वैक्सीनेशन और उनका बंध्याकरण, नर और मादा दोनों कुत्तों और कुतियों का, तो उनके आबादी पे और काटने पे भी रोक लगेगी। दूसरा, जैसा आपने बंदरों की बताया, बंदरों का तो मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ कि दो बार मेरा ही चश्मा ले जा चुके हैं, वो वृंदावन में बड़ी परेशानी रहती है, तो फल की थैली ले जाते हैं, सब सामान बड़ी मुश्किल से रहता है और उनका जो स्थान है वो वन होता है, तो उसके लिए हमने एक बार बताया भी था कि जितने वन क्षेत्र हैं उनमें फलदार वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि वो छूटने के बाद में वो वहीं रहें, क्योंकि वो भोजन के लिए आते हैं यहाँ पर। हमने ज़्यादातर देखा मथुरा में जो जंगल हैं उनमें कटीले पेड़ हैं जिसमें कि बंदर को खाने के लिए कुछ नहीं, अगर कटीले भी लगाने बेर लगा दें, बेर या अमरूद या जामुन, कोई भी जो फलदार वृक्ष होते हैं
वृक्षारोपण में उसका, या सड़कों के किनारे भी कहीं लगाए जाएं तो ये लगाए जाएं। और मेरा अनुरोध रहेगा बंदर को पकड़ने की या उनकी